नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड का स्टेटस कैसे देख सकते हैं और अपने आधार कार्ड को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जी हां, अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई अपडेट या करेक्शन करवाया या फिर आपने नया आधार कार्ड अपना या अपने किसी बच्चों का एनरोलमेंट करवाया है, बनवाया है और वो आधार कार्ड अभी तक आपके एड्रेस पे आपके घर पे नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में अब आप आधार कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। तो अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो हमारे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना सुनाए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक करें थोड़ा अच्छा लगता है और वीडियो बनाए मजा आता है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड का स्टेटस देखने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको uidi.gov.in इस वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप के ब्राउजर में ओपन कर लेंगे। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहला है गेट आधार का सेक्शन। तो गेट आधार वाले सेक्शन में आएंगे सबसे पहले वाले पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है चेक आधार स्टेटस। तो हम यहाँ पे सिंपली चेक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना जो है स्टेटस देखेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीबीसी कार्ड और चेक आधार पीबीसी कार्ड स्टेटस, चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। सिंपली चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है इंटर इनरोलमेंट आईडी और यहाँ पे SRN और URN ID। तो हमारे पास इनरोलमेंट ID है क्योंकि हमने किसी बच्चे का नया आधार कार्ड जो है बनवाया था, इनरोलमेंट करवाया था। अगर आप आधार कार्ड में करेक्शन अपडेट करवाते हैं या फिर नया इनरोलमेंट करवाते हैं तो यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी मिलता है 14 डिजिट का। अब ये 14 डिजिट का आईडी अगर आप कहीं जाके सेंटर पे आधार अपडेट करवाते हैं या इनरोलमेंट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको स्लिप मिलती है, उसमें लिखा होता है और आपके मोबाइल नंबर पे SMS भी आ जाता है उसी समय। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 28 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी डालना है। तो 14 डिजिट का जो है इनरोलमेंट आईडी होता है, उसके बाद में जिस डेट को आपने इनरोलमेंट करवाया हुआ वो डेट भी यहाँ डालना होता है और समय भी डालना होता है। तो वो भी समय और डेट भी कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए मुझे मैसेज आया है, मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से आ जाता है मैसेज में और वो जो है स्लिप पर भी लिखा होता है। तो यहाँ पर 14 डिजिट का सबसे पहले इनरोलमेंट आईडी डालेंगे। उसके बाद में जैसे हमने 2022 में इनरोलमेंट करवाया, अभी 2022 चल रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इनरोलमेंट आईडी डालेंगे, उसके बाद 2022 डालेंगे बिना किसी स्पेस और स्पेशल करेक्टर के। तो यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको लाइव। सबसे पहले इनरोलमेंट आईडी और उसके बाद में जो है अपना 2022, उसके बाद जो हमने मंथ में जिस मंथ में इनरोलमेंट करवाया था, जैसे छठे मंथ में करवाया था तो यहाँ 06 और उसके बाद जिस डेट को करवाया था यहाँ पर 16 जून को करवाया था तो 16 डाल देते हैं लास्ट में। उसके बाद में कितने बजे करवाया था, जैसे हम यहाँ पे 17:23:50 पे हुआ था तो 17:23:50 लिख दिया हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आप पूरा डाल देंगे बिना किसी स्पेस के। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ, जो कैप्चा लिखा है सिंपली सेम कैप्चा नीचे डालना है, अगर समझ ना आए तो रिफ्रेश कर सकते हैं। इसे कैप्चा डाल के सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर TOIW यहाँ पर डाल देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, यहाँ पे जो हमारा आधार का जो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद वैलिडेशन स्टेज भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा आधार कार्ड जो है वहाँ से कंप्लीट हो चुका है, आधार नंबर जनरेट हो चुका है, यहाँ देखिए कंप्लीटेड दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योर आधार हैज़ बिन जनरेटेड विल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू, प्लीज डाउनलोड ई आधार फॉर्म www.uidi.gov.in। इस यहाँ से आप आधार को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ अभी तक नहीं मिला है तो, ठीक है, प्रिंट करके आपको भेजा जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं अपना आधार, क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है, कंप्लीट तो हो चुका है, यहाँ बन गया लेकिन मेरे एड्रेस पे अभी मेरा आधार कार्ड आया नहीं है, तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे पूरा हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। बैक आ जाते हैं, सबसे पहले नंबर पर डाउनलोड, अब यहाँ डाउनलोड पर हम क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड आधार पर, सिंपली डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखिए आधार नंबर और इनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी तीन चीज़ों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास इनरोलमेंट आईडी ही है, अभी आधार आया नहीं, आधार नंबर मिला नहीं है मुझे। तो इनरोलमेंट आईडी कुछ जैसे पहले बताया जैसे डाला था उसी तरह से यहाँ पर 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी जो है
और 14 डिजिट का जो है डेट और समय, ये डाल के 28 डिजिट का टोटल यहाँ पे आईडी डाल देंगे हम। यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कोई कटपिट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ, हमने आईडी डाल दिया, कैप्चा भी डाल देता हूँ और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो आपने इनरोलमेंट करवाते समय मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, तो वो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे ये आ चुका है और ओटीपी हम यहाँ नीचे डाल देता हूँ और वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन भी करना होता तो ये आसानी से ओपन नहीं होता है। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे ऐसे बोल रहा था। तो ये हमने वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है और ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। सी, डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन करना है। अब हमारे जो है फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन करने के लिए यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कैसे ओपन करना है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब देखिए 8 डिजिट का इसमें पासवर्ड होगा और यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल योर नाम अनीस वाई कुमार और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ईयर ऑफ बर्थ, मतलब जो है सन आपका जो है ईयर बर्थ का 1989 है, तो आपका पासवर्ड जो होगा कुछ इस तरह से, आपके नाम का पहला फोर अक्षर होगा, फोर अक्षर, उसके बाद जो आपका वर्ष है साल वो यहाँ पे डलेगा, जैसे 2020 है तो यहाँ पे लास्ट में 2020 डाल देंगे और उसके बाद अपने नाम का पहला 4 डिजिट जो है अक्षर डाल देंगे, ठीक है। और ये पासवर्ड हम डाल देते हैं अपना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अक्षय है तो यहाँ पे AKSH डालेंगे और हमारा डेट ऑफ बर्थ 2020 है तो हम 2020 डाल देंगे और ये ओपन हो जाएगा आधार कार्ड, बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड ये डाउनलोड हो चुका है, ओपन कर लिया हूँ मैंने। अब इस आधार कार्ड को चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, किसी के साथ शेयर करना चाहूँ तो शेयर कर सकता हूँ, इसका कहीं उपयोग करना चाहूँ तो हम यूज कर सकते हैं आप आधार कार्ड को, ठीक है। अब इसे आने में हमारे बाय पोस्ट देर लग जाएगी, बहुत समय लग जाता है कभी कभी। तो इस तरह से आप आधार कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।